तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में चार्टिंग को कम्प्लीटली बदल के रख दिया था। हम बात कर रहे हैं धन और ट्रेडिंग व्यू का एक कोलैबोरेटेड प्रोडक्ट tv.dhan.co। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली लुक एंड फील में tradingview.com की तरह दिखता है, लेकिन हमने इसको इंडियन ट्रेडर्स के लिए, इंडियन यूजर्स के लिए कम्प्लीटली कस्टमाइज किया है। पूरे चार्ट, डेटा और कई सारे इंडिकेटर्स भी इन हाउस डेवलप करके इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम से, सो दैट ट्रेडर्स उसको काफी इजीली यूज कर सकते हैं। देयर इज सर्टेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑप्शंस का चार्ट्स यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं। आप उन चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, पोजिशंस को मैनेज कर सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकते हैं। Then there are certain premium features जिसके लिए आपको शायद कहीं और पे करना पड़ता है, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सेकेंड्स टाइम फ्रेम। इस प्लेटफॉर्म पे आप टाइम फ्रेम सेकेंड्स में भी लगा सकते हैं, 5, 15, 30 seconds। उसके अलावा आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि कितने इंडिकेटर्स आपको लगाना है। और या फिर आप मल्टी स्क्रीन लेआउट भी यूज कर सकते हैं कि एक ही स्क्रीन में आप मल्टीपल चार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एडवांटेज है, जैसे आप इंडिकेटर टेम्पलेट अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेआउट अनलिमिटेड बना सकते हैं, और कुछ स्पेशल ऑर्डर टाइप्स जैसे कि बास्केट ऑर्डर या आइसबर्ग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो जैसे मैंने बताया, आइदर यू कैन गो टू tv.dhan.co और जो धन का नॉर्मल लॉग इन पेज है login.dhan.co, वहां से आप धन विद ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट करिए। ओके, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, OTP और यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खोलेंगे, ये आपके सामने आपकी प्रेफर्ड मोड में ओपन होगा और आप देख सकते हैं URL tv.dhan.co। लुक एंड फील में पूरी तरह से ट्रेडिंग व्यू की तरह ही है। ओके, सो ये बेसिकली हमने ट्रेडिंग व्यू के साथ मिलकर बनाया है। वी हैव टुक द फ्रंट एंड लाइब्रेरी फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, कनेक्टेड विद आवर बैक एंड सिस्टम्स। ये चार्ट्स, ट्रेड एग्जीक्यूशंस, डेटा, ये सब कुछ हमारे थ्रू आता है। इसका व्हाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड दोनों अवेलेबल है। हम पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे डार्क मोड में एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ यूजर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, थीम इसे हम नाइट कर देंगे। ओके, और ये पूरी तरीके से हमारा प्रोडक्ट डार्क मोड में आ गया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये ओपन करा था, यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ था जो ये स्कैल्पर से ओपन होता है। अभी हम इसे क्लोज करते हैं, आगे जाके एक्सप्लोर भी करेंगे। साइड से वॉचलिस्ट भी ओपन हुई थी, मैं अभी क्लोज कर देता हूँ वॉचलिस्ट। ओके, हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप पैनल से। टॉप पैनल में आप जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे आपको एक धन का लोगो दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो धन के दूसरे वेब प्लेटफॉर्म्स भी दिखेंगे। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट में लॉग इन किया है, आप धन वेब पर भी जा सकते हैं। आई जस्ट क्लिक हियर और मेरा लॉग इन सेशन कंटिन्यू होकर मैं धन वेब में भी आ गया हूँ। और उसी तरीके से धन का एक और ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, ऑप्शन ट्रेडर, उस पर भी मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से जा सकता हूँ। ओके, सो आपको एक बार लॉग इन करना है। आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फ्लैगशिप प्रोडक्ट तीनों एक लॉग इन में, एक डिफरेंट डिफरेंट टैब में ओपन करके यूज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ tv.dhan.co की। ओके, सो सिंपल थिंग, सबसे पहले यहाँ पे सिंबल सर्च का ऑप्शन है। सिंबल सर्च में आप यहाँ से कुछ भी इनपुट कर दीजिए। अभी टाटा मोटर्स है, मैं यहाँ पे अगर निफ्टी डालना चाहूंगा, यहाँ पे निफ्टी आएगा। क्योंकि यहाँ फ्यूचर सेलेक्टेड है तो फ्यूचर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसे ऑल कर दूंगा तो सारे ऑप्शन दिखेंगे। सिंपल सामने सिंबल दिखेगा कि निफ्टी का इंडेक्स है, आगे डिस्क्रिप्शन है, निफ्टी का फ्यूचर है, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर है ये, और निफ्टी के आगे के डिफरेंट ऑप्शन भी दिखेंगे। ओके, मैं अगर यहाँ पे कोई स्टॉक, फॉर एन एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डालूंगा, तो सबसे पहले मुझे इक्विटी आ रहा है, TCS इक्विटी। लेकिन मैंने CON डाला तो टाटा कम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी आ रहे हैं। मैं और यहाँ पे सिर्फ TCS के रिजल्ट्स देख रहे हैं, जिसमें TCS इक्विटी बोथ NSE एंड BSE, फिर TCS के फ्यूचर्स एंड देन TCS के ऑप्शंस, ये सब दिख रहा है। कई बार मैं आपको एक क्विक शॉर्टकट भी बताता हूँ। यहाँ पे आपको शायद सर्च करना हो, हर बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना हो, आप सिंपली चार्ट पे कहीं पे क्लिक करिए ओपन स्पेस में और डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कीजिए। अभी मैं कहीं पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यू कैन सी माय कर्सर हियर, आई हैव जस्ट पुट अ क्लिक हियर, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंपली डालूंगा निफ्टी एंड ये डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन हो गया। तो काफी सारे इसके क्विक शॉर्टकट्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। नेक्स्ट बटन है यहाँ पे कंपेयर और ऐड सिंबल। अभी जैसे टाटा मोटर से इफ आई क्लिक हियर,
तो यहाँ पे आई कैन कंपेयर एनी अदर सिंबल. अभी मैं सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, हम सिंपली निफ्टी ऑटो इंडेक्स से कंपेयर करेंगे. अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सेम एज परसेंटेज स्केल, सेम परसेंटेज स्केल, न्यू प्राइस स्केल या न्यू पेन. तीनों के अपने अपने मतलब है, हम मैं तीनों आपको बताता हूँ. सेम परसेंट स्केल साइड में दोनों की वैल्यूज परसेंट के फॉर्म में दिखेंगी और एक ही स्केल में दिखेगा. यू कैन सी द कैंडलस्टिक चार्ट इज टाटा मोटर्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स. ये एक लाइन चार्ट है, मैं ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ यहाँ से. ओके सिंपल, वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम लगे रहने देते हैं. और मुझे, मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से चार्ट टाइप भी चेंज कर दूंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. मुझे और कंपेयर करना है यहाँ पे, आई कैन कंपेयर यहाँ पे टाटा मोटर्स के साथ मारुति सुजुकी और ये सेम परसेंट स्केल, ये तीनों एक ही स्केल में. राइट ये सिंपली कर सकते हैं. पर मैं आपको बताना था और भी ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस कैसे आते हैं. जैसे मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मुझे मारुति जब मैं डाल रहा हूं, देखिए सेम स्केल की जगह मैं न्यू प्राइस स्केल कर दूंगा तो दोनों के अलग अलग प्राइस स्केल पर, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे एक अलग प्राइस स्केल आ गया है. दिस डिफरेंट प्राइस स्केल इज फॉर मारुति सुजुकी. ओके आप नया भी लगा सकते हैं, रिमूव करके इसे भी यहीं से एडिट हाइड भी कर सकते हैं. ओके ओके तो आई होप आपको कंपेयर सिंबल वाला ऑप्शन दिखा होगा एंड थर्ड वाले में कंप्लीटली नए पेन में ओपन हो जाता है नीचे. सो आपको ऊपर अलग प्राइस दिखेगा, नीचे अलग प्राइस दिखेगा एंड दो सेक्शन बन जाएंगे. इफ यू वॉन्ट आई कैन शो इट. टाटा मोटर्स के साथ हम मारुति सुजुकी लगाते हैं और न्यू पेन में लगाया completely ये ऊपर प्राइस स्केल फॉर टाटा मोटर्स, नीचे प्राइस स्केल फॉर मारुति सुजुकी एंड आई कैन यहाँ पे रिसाइज द पेन्स. यहाँ पे अगर कोई इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ तो एक अलग इंडिकेटर मारुति सुजुकी में लग जाएगा, डिफरेंट इंडिकेटर टाटा मोटर्स में लगेगा. आप सेम भी लगाना चाहते हैं तो सेम भी लग जाएगा. ओके इसे क्लोज करना है, मैं सिंपली यहाँ से क्लोज भी कर दूंगा. मूविंग ऑन, यहाँ पे सिंपली टाइम फ्रेम्स है. ये टाइम फ्रेम्स आपको सेकेंड्स में भी मिलेंगे, मिनट्स में भी मिलेंगे, डेज मंथ्स 12 मंथ्स और आप कस्टम टाइम फ्रेम भी यहाँ पे लगा सकते हैं. ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ये सेकंड टाइम फ्रेम कोई भी प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है. धन वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो सेकंड टाइम फ्रेम इंडियन मार्केट्स में रिटेल ट्रेडिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था. ओके नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, जैसे हम यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट यूज कर रहे हैं, देयर इज अ बार चार्ट, आप बार्स के फॉर्म में बना सकते हैं, देयर इज अ हॉलो कैंडल चार्ट. सबको रीड करने के डिफरेंट तरीके हैं. आई थिंक धन के ही यूट्यूब चैनल पे किस तरह से इन कैंडल्स को रीड करना है, tradingyou.com पर कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट है, आप उसको रेफर कर लीजिए. नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम चार्ट्स आप देख सकते हैं, और भी तरह के चार्ट्स हैं. काफी ज्यादा यूज, काफी लोग आजकल पॉपुलर हो रहा है हाइकन एशियन रैंको चार्ट्स. आप रैंको चार्ट सेकेंड टाइम फ्रेम में करिए, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और बेटर सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं. The people who use Renko charts, उनको ये बात समझ में आएगी. Then there is a Heiken Ashi, आप Heiken Ashi charts में देख सकते हैं. Okay, noises कम होती है and different types of things. हम back to candlestick जाते हैं. Next चीज है, अच्छा मैं एक चीज और बताना भूल गया. जैसे जब मैंने आपको एक shortcut बताया था for search symbol, there is a shortcut for time frames also. Time frames यहाँ से आप favorite mark कर लीजिए. मैंने यहाँ पे 5 minute का एक time chart open कर लिया है. ओके अब मुझे जिस तरीके से मैंने कीबोर्ड पर डायरेक्टली अल्फाबेट टाइप किया था तो मेरे सामने सर्च बॉक्स ओपन हो गया था, इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्टली एक नंबर टाइप करूंगा तो मेरे सामने टाइम फ्रेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड जस्ट आई हैव टू प्रेस एंटर और मेरा वो टाइम फ्रेम अप्लाई हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाइड है. इफ आई क्लिक एंड जस्ट टाइप 70 तो देखिए चेंज इंटरवल 17 मिनट्स एंड आई विल प्रेस और यहाँ पे 17 मिनट टाइम फ्रेम बन गया. ओके इट इज दैट सिंपल. ओके मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बताए हैं. नेक्स्ट है इंडिकेटर्स. तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हुआ है जिसमें लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स हैं. ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको tradingyou.com में बिल्ट इन होते हैं और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव ऑल्सो मेड अराउंड 20 मोर इंडिकेटर्स इन हाउस और इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया है. If you have something in mind that you think is useful for you and that is available as a community script on tradingyou.com and you want to use it on tv.dun.co, you can write us at feedback@dun.co. ये indicators आप चाहते हैं, we will be happy to incorporate it. Okay, next,
ये इंडिकेटर्स जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे मैं एक सिंपल सा एक इंडिकेटर लगाता हूँ, मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज इज अ सिंपल इंडिकेटर, मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मेरे सामने आ गया. एंड आई कैन लाइक हाइड इट. हाइड करना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है. यहाँ पे मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स का डिफरेंट सेटिंग्स होगा. जैसे जैसे आप उन टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से कौन से इंडिकेटर को कैसे यूज करना है. अगेन देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स ऑन धन यूट्यूब चैनल. प्लीज गो एंड एक्सप्लोर हाउ टू यूज दोस टेक्निकल इंडिकेटर्स. ओके, मूविंग अहेड. अगेन इसका भी एक शॉर्टकट है कि जैसे मैंने आपको सर्च के लिए बताया कि स्टार्ट टाइपिंग अल्फाबेट, टाइम फ्रेम्स के लिए बताया कि स्टार्ट टाइपिंग अ नंबर. इंडिकेटर्स अप्लाई करने के लिए अपने कीबोर्ड में स्लैश पे क्लिक करिए, ये डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन होगा एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट. ओके, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंडिकेटर टेम्पलेट. इसका क्या यूज है? तो देखिए क्या होता है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम सेट ऑफ इंडिकेटर्स बना लेते हैं टू रीड टू फाइंड आउट द सिग्नल्स फ्रॉम दैट चार्ट. ओके, बट एवरी टाइम वो चार तीन चार पांच इंडिकेटर्स वॉट एवर आपका ग्रुप है उनको जाकर अप्लाई करना इज अ टीडियस प्रोसेस. और एक बार आपका बना हुआ है तो व्हाई नॉट टू सेव इट. तो यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं अपने इंडिकेटर्स के, और जब भी आपको वो लगाना हो डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक पे वो सारे अप्लाई करने. जैसे मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, एक एसटी सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज एंड एमएसईडी, ये मैं अप्लाई करता हूँ. और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए सारे इंडिकेटर्स एक साथ लगते हैं. ओके, मुझे इसके अलावा कुछ और लगाना है तो मैं बोलिंजर पर आरएसआई ये लगा देता हूँ, ये लग गया है. और भी कुछ है यहाँ पे, कुछ टेस्टिंग के लिए मैंने और भी बनाया था, ये सब कुछ बना हुआ है. अच्छा, इंडिकेटर टेम्पलेट सेव कैसे करते हैं? तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं पूरा एक नया बनाता हूँ फ्रेश, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी हटाते हैं. अब हम कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम लगाते हैं ईएमएफ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सॉरी देखिए ये गड़बड़ होती है कई बार, स्लैश एंड देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो ये हमने इंडिकेटर लगाया है. देन हम लगाएंगे एक एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर लगाया है. अनदर इंडिकेटर हम लगाएंगे यहाँ पे वीवैप, ठीक है, एंकर्ड वीवैप विद बैंड्स, ये हमने लगा दिया है. और मैं एक और इंडिकेटर देखना चाहता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे बोरिंग कैंडल. यस, ये बोरिंग कैंडल भी लगा दिया है. आप देख सकते हैं ये कुछ सेट ऑफ 1, 2, 3, ये तीन इंडिकेटर्स हैं, साथ में वॉल्यूम भी लगा दिया. ये वॉल्यूम, ये सेट ऑफ 4 इंडिकेटर्स हैं. इन चारों इंडिकेटर्स को अब मुझे अगली बार नेक्स्ट, अभी टाटा मोटर्स पे मैं कोई अगर कोई और स्टॉक ओपन करूंगा उस पर भी डायरेक्टली लगाना है तो मैं एक सिंगल क्लिक पे लगाना होगा. तो मैं उसको इंडिकेटर टेम्पलेट की तरह सेव कर लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम एक सिंगल क्लिक पे अप्लाई कर दूंगा. सेव करने के लिए यहाँ पे एक बटन है सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, मैंने इस पर क्लिक किया. अब ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू नेम द टेम्पलेट, मैं टेम्पलेट का नेम रख देता हूँ. सिंपल हम नाम रखेंगे ईएमए प्लस एंकर्ड वीवैप प्लस बोरिंग कैंडल एंड सिंपल वॉल्यूम. अच्छा, मैंने ADX भी लगाया है, सॉरी वॉल्यूम के पहले ADX एंड देन वॉल्यूम, ये हमने नाम रख दिया. अब वो मुझसे दो चीजें और पूछ रहा है, डू यू आल्सो वांट टू रिमेंबर टाटा मोटर्स एज अ सिंबल, कि एवरी टाइम यू अप्लाई दिस इंडिकेटर टेम्पलेट तो टाटा मोटर्स के चार्ट पर ही लगकर आएगा. इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू डोंट डू इट. इफ यू डू यू आल्सो वांट टू रिमेंबर टाइम फ्रेम, कि 17 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लगे. इफ यू वांट कि आप टाइम फ्रेम भी सेव करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए. यहाँ पे इंडिकेटर्स की लिस्ट है कौन कौन से सेव हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया. सिंपल, हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर देंगे. अब अगर मैं कोई नेक्स्ट लेआउट भी ओपन करता हूँ, लेआउट्स पे हम आगे आएंगे, यहाँ से लेआउट्स लगते हैं, या फिर मैं अभी कंप्लीटली पूरे किसी और ही स्टॉक पे जाता हूँ जैसे रिलायंस. ओके, यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे गया हूँ एंड मैं टाइम फ्रेम भी चेंज करता हूँ डेली, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम आ गए. अब हम यहाँ पे मेरा एक सेव्ड इंडिकेटर जो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखती है, आई कैन रिमूव इंडिकेटर्स ऑल्सो यहाँ से, और मैं इंडिकेटर्स को टेम्पलेट्स को फेवरेट भी मार्क कर सकता हूँ. यहाँ से फेवरेट भी मार्क किया है, जैसे ही फेवरेट मार्क किया है यहाँ पे ई, दिस ई बटन, ई एक सिंबल आ गया है,
ओके, और मैंने ये अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे लग चुके हैं। ओके, अनकट वीवर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में लगाया है। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अनकट वीवर भी आ जाएगा। ओके, सिंपल। आई होप आपको इंडिकेटर टेम्पलेट समझ में आए होंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सेव करते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन। इट्स जस्ट रिमूव ऑल दीज इंडिकेटर्स फ्रॉम द चार्ट। चलिए नेक्स्ट, ये आपको एक सिंपल सेल बाय बटन्स दिख रहे होंगे। ओके, सिंपल बटन्स है। मैं अगर इन पे क्लिक करता हूं तो मेरा एक ऑर्डर विंडो ओपन होता है। ऑर्डर विंडो सिमिलर बेसिकली लुक एंड फील वाइज ट्रेडिंग व्यू का लगता है, लेकिन ये पूरा धन का बनाया हुआ ऑर्डर विंडो है। आप देख सकते हैं, अगर आप धन के ऑर्डर विंडो, धन के प्रोडक्ट्स पे यूज करे होंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी काफी फेमिलियर होंगे। ट्रेडिंग इज फॉर द इंट्राडे, एमटीएफ यूजिंग फॉर द मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, इन्वेस्टिंग इज अ डिलीवरी ट्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर टाइप्स, मार्केट लिमिट, ट्रिगर, ट्रिगर फॉर स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर, ब्रैकेट। ओके, आप क्वांटिटीज इनपुट करिए, प्राइस इनपुट करिए, लिमिट में प्राइस है, ट्रिगर में आपको ट्रिगर प्राइस, कवर के साथ स्टॉप लॉस और ब्रैकेट के साथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों। इससे आपको आइसबर्ग ऑर्डर या स्लाइसिंग ऑफ ऑर्डर भी प्लेस करना है तो वो भी आप सिंपली प्लेस कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ लेग्स, यू कैन इनपुट स्लाइस। जैसे ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जाते हैं वहां पे फ्रीज लिमिट से ज्यादा अगर ऑर्डर प्लेस करना होता है और जैसे ही आप प्लेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्लाइस भी कर देता है। ओके, वो इस सारी विंडो से सब कुछ हो जाएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड लाइक धन विंडो। ओके, इसके अलावा भी ऑर्डर प्लेस हो सकता है जो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का विंडो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे सेल का था, यहाँ पे आप टॉगल कर सकते हैं बाय के लिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बाय करना है तो यहां से ओपन कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे एक तीसरी चीज और है, ये सिंपल बाय और सेल विंडोज है जो कि क्लिक करने पर ओपन होती है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपने आप रिमूव हो जाएगी। बट देयर इज अ स्कैल्पर मोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सामने एक फ्लोटिंग विंडो आ जाता है आपके सामने, जिसमें आपको एक सिंगल क्लिक पे आप इसको लाइक फ्लोट करके कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मैं अभी फ्लोट करके यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ और आप यहाँ पे क्वांटिटीज है, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मैं 10, और आप एक सिंपल क्लिक बाय या सेल पे इन आउट कर सकते हैं, छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू यूज किया है और नहीं भी किया हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना यहाँ से, तो आपके सामने पोजीशन की एक लाइन बन के आती है डॉट डॉट डॉट। अगर वो लॉन्ग पोजीशन है तो ब्लू कलर की आती है, अगर वो शॉर्ट पोजीशन है तो रेड कलर की आती है। सिमिलरली जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो पेंडिंग ऑर्डर है तब भी आपकी एक सॉलिड लाइन के साथ लाइन बनकर आती है, तो आपको चार्ट पे ही दिखता है कि मेरी कहाँ पोजीशन खड़ी है, कहाँ पर मेरा ऑर्डर लगा है, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप चार्ट पे ही कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर से अगर मैं इस तरह का एक फ्लोटिंग विंडो स्टार्ट पर दे देता हूँ जिसमें आप सिंपली एक क्वांटिटी इनपुट करके बाय सेल करते हैं, जिसमें मार्केट ऑर्डर प्लेस होगा बेस्ट बिड या बेस्ट प्राइस पे, और आपको बेस्ट बिड प्राइस भी दिख सकती है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ओके, तो ये आपके लिए काफी क्विक हेल्प करता है और स्कैल्पिंग में तो ऑफकोर्स हेल्प करता है। सो एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ स्कैल्पर मोड। होप आपको ये स्कैल्पर समझ में आया होगा। इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पर डाली है, टीवी स्कैल्पर ऑन धन। देन देयर इज अ एग्जिट ऑल विंडो। अगर आपकी कोई भी पोजीशंस खड़ी है तो वो सारी पोजीशंस ही आ जाती हैं और एक सिंगल क्लिक पे आप उनको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे है ऑप्शन चेन का ऑप्शन। यहाँ पे अभी मैंने रिलायंस खोला है तो रिलायंस क्योंकि एक एफएनओ स्टॉक है तो उसका ऑप्शन चेन भी बनकर आया है। यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन चेन दिखेगा, उसका एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, किसी और सिंबल की ऑप्शन चेन देखना है तो आप यहाँ से क्विकली वो किसी और सिंबल की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी सेंसेक्स के। ओके, आप इस ऑप्शन चेन को साइज में बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, प्लस इसके कॉलम्स भी आप चेंज कर सकते हैं कि व्हाट यू वांट टू सी। देयर आर ग्रीक्स आल्सो, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, और ये सब भी सेव कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो इस सेटिंग सेव होकर आपके सामने दिखेंगी। प्लस दिस ऑप्शन चेन इज मूवेबल आल्सो, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे कहीं पे भी मूव करके रख सकते हैं। एंड चार्ट के ऊपर ऑप्शन चेन का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। आई एम श्योर ट्रेडर्स को ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको चार्ट का मूवमेंट भी दिख रहा है अंडरलाइन का, और ऑप्शन चेन भी खुला है। आगे मैं जब आपको बताऊंगा मल्टी स्क्रीन मोड इसका और ऑप्शन चेन भी रहेगा तो ये काफी यूजफुल हो जाता है। देन देयर इज अ बास्केट ऑर्डर आल्सो।
आप मल्टीपल बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। ये बास्केट्स अगर आप धन ऐप या धन वेब या धन का किसी और प्रोडक्ट को भी यूज किया है वहां पे भी बास्केट बनाते हैं, तो ये सारी बास्केट सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, एक जैसी रहती हैं। कहीं आपने धन ऐप या वेब पे बनाई होगी तो वो यहाँ पर भी दिखेगी, यहाँ पर बनाएंगे तो वहां भी दिखेगी, कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड है। और आप मल्टीपल ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये बास्केट ऑर्डर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्रिएट बास्केट करिए, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आप लेग्स इनपुट करिए एंड एक सिंगल क्लिक पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्जिन कितना अवेलेबल है या कितना रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर बास्केट वो भी आपको सामने अपफ्रंट दिखता है। नेक्स्ट अनदर है इंडाइसेस डिटेल। आप देख सकते हैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं एक ड्रॉप डाउन आया है जिसमें सारे इंडाइसेस दिख रहे हैं, एनएससी और बीएससी के और एक अंडरलाइन एफएनओ का। मैं सिंपली क्लिक करता हूं निफ्टी 500 तो मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन है, एक ओवरले ओपन है जो ये बताता है कि निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स उनका प्राइस चेंज चेंज परसेंटेज, दिस इज प्राइस चेंज एंड प्राइस चेंज परसेंटेज एंड वॉल्यूम किस तरह से, और पूरी लिस्ट एक साथ है। आप इसको सिंपली एक क्लिक पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर मुझे लोएस्ट टू सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज कहाँ पे हुआ है तो आज इंजीनियर्स इंडिया में हुआ है 12%, शोभा में हुआ है 11.84%, निफ्टी 200 के स्टॉक्स देखना है और इसमें सबसे ज्यादा चेंज हुआ है 8.51% सीजी पावर है इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ अंडर एफएनओ स्टॉक्स में देखना चाहता हूँ तो उसका लिस्ट भी है मेरे सामने। सो बेसिकली एक आपके लिए पैरेलल वॉच लिस्ट बन गई है, आप इसको वॉच लिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, उसका प्राइस मूवमेंट चेक कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करके आप इसको क्विकली यहीं से बाय सेल या चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉप आउट चार्ट, आप इस चार्ट को बाहर निकाल के देखना चाहते हैं सिंगल क्लिक पे पॉप आउट कर दीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स हैं जो धन ने अपने लिए बना कर दी है। इन चीजों के लिए चार्ट को आपको ऑटो सेव करना है कि नहीं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो ऑटो सेव भी हो सकता है। और बेसिकली अगर आपने चार्ट पे कुछ काम किया है, कुछ स्टडी करी है, कुछ ड्रॉइंग्स इंडिकेटर्स कुछ मार्किंग करी है, कुछ लिखा है एनीथिंग, तो आप उसको धन वेब पे या ऑप्शन ट्रेडर वेब या धन ऐप या ऑप्शन ट्रेडर ऐप किसी भी जगह पर खोलेंगे वो सब कुछ सिंक्रोनाइज रहेगा। वो सिंक्रोनाइज कब होता है, जब आप चार्ट ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल करते हैं तो वो सेव रहेगा, सर्वर एंड पे सेव होगा और आप कहीं पे भी कभी भी नेक्स्ट टाइम आपके ओपन करेंगे तो वो वैसे की वैसी स्टडी आपको दिखेगी। नेक्स्ट ये शो लोगो, सो बेसिकली जब आप वॉच लिस्ट ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा ये साइड में लोगो, अगर आप लोगों देखना चाहते हैं तो आप टिक मार्क रखिए, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो डिसेबल कर दीजिए। नेक्स्ट मैंने आपको थीम बताया था, दिस इज नाइट थीम, इसी तरीके से आप व्हाइट थीम या डे थीम भी लगा सकते हैं। देन शो पास्ट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, तो ये बताता है कि आपको पास्ट, यहाँ पे जब आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपके करेंट ट्रेड्स और पोजीशन तो दिखाता है, ये आप पास्ट के ट्रेड्स और एग्जीक्यूशंस भी देख सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं तो कब तक का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन कि आप स्कैल्पर मोड डिफॉल्ट में ऑन रखना चाहते हैं कि नहीं, आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, आप डिफॉल्ट क्या चाहते हैं, इंट्राडे या ओवरनाइट, तो एवरी टाइम यू ओपन द ऑर्डर विंडो आपका वो प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट होकर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अंडो और रीडो का ऑप्शन है, दिस इज मल्टी स्क्रीन फॉर ऑन द चार्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं मैं तीन स्क्रीन एक साथ लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ और जब आप ये करते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन होता है कि डू यू वांट टू सिंक्रोनाइज सिंबल, इंटरवल, क्रॉस हेयर या टाइम, आप अपने हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैं यहाँ पे रिलायंस के साथ टाटा मोटर्स इनपुट करूंगा और यहाँ पे HDFC बैंक और मैं तीनों चार्ट एक साथ देख रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा यूज पता हूँ कहाँ होगा, ऐसे होगा कि मैं अगर यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी, हम निफ्टी बैंक देते हैं, ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स लगा दिया मैंने, ठीक है 46,600-700 पे चल रहा है। अब मैं देखिए बैंक निफ्टी 46,700 का कॉल इस पेन पर देखूंगा और बैंक निफ्टी 46,700 का पुट, सॉरी पुट इस पेन पे देखूंगा। ओके, आप देख सकते हैं साथ में मैं निफ्टी देख रहा हूँ, एक कॉल लगाया है एक पुट लगाया है। इस तरीके से अगर आप
आपकी कोई स्ट्रैटेजी जिसमें आपकी 3 लेगे 4 लेगे आप उन चारों को एक साथ ट्रैक करना चाहते हैं और अंडरलाइन भी देखना चाहते हैं, ये बेस्ट वे हो सकता है इसका देखने का। या फिर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या 2-3 स्टॉक को एक साथ ट्रैक कर रहे हैं वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट यूज केस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अप टू 8 स्क्रीन्स लगा सकते हैं, बड़ा मॉनिटर होगा 8 स्क्रीन, ज्यादा बढ़िया आपको वैल्यूएबल भी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेआउट। सो बेसिकली लेआउट, मैं बैक टू सिंगल स्क्रीन जाता हूँ। नाउ लेआउट क्या होता है, बेसिकली आप चार्ट पे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वेदर इट इज थीम, टाइम फ्रेम, सिंबल, इंडिकेटर, चार्ट टाइप, एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं उसको अगर आपको सेव करना है, ड्रॉइंग्स भी इंक्लूड होती हैं, आप सिंपली वो ऑटो सेव होता है, आप सेव कर सकते हैं। और आप अपने लेआउट्स, मैंने जैसे कुछ लेआउट्स बनाए, निफ्टी स्टडी, टाटा मोटर स्टडी, XYZ एक सिंपल बनाया है, कंपेयर लेआउट का एक टेस्ट लेआउट बनाया था। अब जैसे मैं टेस्ट लेआउट पे आता हूँ और क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मेरा टेस्ट लेआउट एक बना हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 8 मल्टी स्क्रीन्स का एक साथ बन जाता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे क्योंकि पुराने प्राइजेस उसने सेव करे हुए थे, अभी मैं फिर से ऑटो पे कर दूंगा तो नए प्राइजेस आ जाएंगे। ओके, ये एक लेआउट है, तो वो लेआउट कैन बी ऑफ द स्क्रीन, द लेआउट कैन बी ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे मैं एक और लोड लेआउट करता हूँ और टाटा मोटर्स स्टडी पे जाता हूँ, तो आप देखिए क्योंकि मैंने वो व्हाइट थीम में बनाया था इस कारण वो व्हाइट पे सेव्ड है, और आप देखेंगे मेरे डिफरेंट मार्किंग्स हैं। ये मैंने मार्किंग करे थे, ये बेसिकली एक ट्रेंड में आया था, ट्रेंड के बाद अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर देखना है तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के डिफरेंट लेवल्स है। आप चाहे तो मैं आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट साइड से लगाकर भी बता देता हूँ। ये क्लिक किया, यहाँ से मैंने पिक किया और ये पूरा ट्रेंड यहाँ तक बनता है। ओके, और आप देख सकते हैं हर एक लेवल पे मैंने ब्लू लाइन मार्क कर दी थी, तो ये मेरे इस तरह की स्टडी में करके सेव कर सकता हूँ। और मैं अभी इसको सेव कर दूंगा, ये मेरा अपने आप सेव हो जाएगा लेआउट में। नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करूंगा या अपने किसी और प्रोडक्ट, धन के प्रोडक्ट से भी ओपन करूंगा, तो ये अपने आप इसके साथ दिखेगा। ठीक है, अगर मैं रीनेम करना चाहता हूं तो मैं यहां से क्विकली रीनेम भी कर सकता हूं। जैसे मैं इस टेस्ट लेआउट को टाटा मोटर्स, ये ओवरराइड हो गया था पिछले लेआउट के ऊपर, ये मैंने सेव कर दिया। कूल, हम बैक टू हमारा निफ्टी स्टडी पे जाएंगे और ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हो गया है। कूल, अब एक और चीज आप देखिएगा, जब मैं यूजर सेटिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे एक और बटन है, दैट इज क्रिएट लेआउट। आप यहां से एक सिंगल क्लिक पे लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं और इस लेआउट को आप अप टू द साइज ऑफ 4 MB और 4 MB के साइज में बहुत कुछ इनपुट कर सकते हैं। व्हाई वी हैव केप्ट 4 MB, बिकॉज़ उससे ज्यादा अगर बड़ा लेआउट होता है तो ये आपके चार्ट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगता है, तो इट इज बेटर कि 4 MB से ज्यादा बड़ा साइज ना बनाया जाए। नो प्रॉब्लम, आपको कैसे पता चलेगा ये 4 MB का लेआउट बनाया है या नहीं बनाया, तो आप उसके बाद कुछ भी इसमें सेव या इनपुट करने जाएंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा कि इसका साइज 4 MB से बड़ा हो गया है। उससे ज्यादा अगर आपको करना है, बेटर इट इज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ डिफरेंट लेआउट। और क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एक सिंपल 1 सिंगल क्लिक पे लेआउट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ओके, यहाँ पे आप नाम इनपुट करिए और सेव कर लीजिए। ठीक है, कूल। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग्स आइकन है जिसमें ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स होती है, सिंबल का क्या कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए, स्टेटस लाइन क्या होती है, स्केल्स में क्या क्या दिख सकता है, अपीयरेंस किस तरीके से होना चाहिए, ट्रेडिंग बाय सेल बटन दिखनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे बाय सेल बटन है, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट इनेबल करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे, पोजीशन लाइन आनी चाहिए, ऑर्डर लाइन, एग्जीक्यूशन लाइन, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, देन यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड, ये फुल स्क्रीन मोड में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन, यहाँ से आप स्नैपशॉट लीजिए और इसको सिंपली शेयर करिए, और इस प्रोडक्ट से अगर लॉग आउट होना है तो यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टॉप पेन। साइड में सारे ड्राइंग टूल्स हैं, ये सारे ड्राइंग टूल्स जैसे tradingview.com में हैं, सारे वैसे की वैसे। जैसे आपको साइड में यहाँ पे क्रॉस हेयर चाहिए, डॉट, एरो, इरेजर, सब कुछ दिखेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, इन सब के कीबोर्ड शॉर्टकट भी साइड में लिखे हुए। अगर आप मैक में ओपन करेंगे तो अपने आप मैक के कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे, विंडोज में ओपन करेंगे तो विंडोज के कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पिचफोर्क, गैन बॉक्स, गैन फैन, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, ब्रश है, हाइलाइटर, रेक्टेंगल सर्कल,
अलग अलग चीजें ड्रॉइंग बनाने की ऑप्शन है यहाँ पे। आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, कुछ कॉल आउट करना है तो वो यूज कर सकते हैं, एरो मार्क कर सकते हैं, फ्लैग मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के पैटर्न, अगर आप एलियट वेव यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एलियट वेव के कुछ पैटर्न ही हैं, उनको लगा सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग की कुछ चीजें की लॉन्ग पोजिशन है तो कितना पीएनएल है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, शॉर्ट पोजिशन में कैसा दिखेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये फोरकास्टिंग की टूल्स है, बार पैटर्न्स प्रोजेक्शन, यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल भी इसी का पार्ट है। देन यहाँ पे ये इमोजीज का सेक्शन है, आप अपने इमोजीज लगा दीजिए। ये मेजरमेंट टूल है, कितना मेजर हुआ है, इसको आप कैसे यूज करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ से लेके आगे बढ़ाओ कितने बार से, तो ये बता रहा है मुझे कि ये 2.5% मूव हुआ है, अराउंड 1074 पॉइंट्स, 44 बार्स आए, 1 डे 4 आवर्स 45 मिनट्स और वॉल्यूम जीरो बता रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक है और ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड होता तो वहां पे वॉल्यूम भी आता। ओके, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, क्या जूम इन करना है, क्या जूम आउट करना है, जूम आउट भी कर देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, दो तरह के मैग्नेट है, वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाता हूँ। सो बेसिकली जब भी अगर आप कोई भी ड्रॉइंग जैसे लाइन वगैरह आप बनाएंगे तो नियरेस्ट प्राइस की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन को आप पिक करिए, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था लेकिन वो स्टार्ट यहाँ से हुई है, और फिर मैं यहाँ पे है मेरा कर्सर लेकिन वो नीचे, मैं ऊपर आऊंगा तो नियरेस्ट कैंडल यहाँ पे उसके प्राइस को उसने टच कर दिया, मैं आगे बढ़ूंगा वो आगे आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वर्क। अगर मैं वीक मैग्नेट लगाऊंगा तो आप देखिए, अगर मैं क्लोजर रहूंगा तो अट्रैक्ट करेगा, दूर रहेगा तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। जैसे फिर से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे हूं तो उसने पकड़ लिया, अगर मैं दूर होता फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हूं तो नहीं पिक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाऊंगा ये पिक कर लेगा, मेरा कर्सर यहाँ पे, ठीक है, मेरा कर्सर अभी भी यहाँ पे है लेकिन उसने पिक कर लिया, या फिर मेरा कर्सर अभी यहाँ है तो अभी पिक नहीं कर रहा है लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा भी आगे गया तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से ये मैग्नेट वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं अगर ड्रॉइंग मोड में रहना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉइंग मोड को इनेबल रख सकता हूँ, लॉक करना है, बाहर होना चाहता हूँ तो बाहर हो जाऊंगा, देन मैं अपने सारे ड्रॉइंग टूल्स को लॉक करना चाहता हूँ यहाँ से लॉक हो जाएगा, हाइड करना चाहता हूँ एक सिंपल क्लिक से हाइड हो जाएगा। इसके भी मल्टीपल ऑप्शन है कि हाइड ड्रॉइंग, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर्स, हाइड ऑल। नेक्स्ट एक सिंगल क्लिक पे मैं इन सभी ड्रॉइंग या सब चीजों को कैंसिल भी कर सकता हूँ, जैसे रिमूव टू ड्रॉइंग्स या रिमूव इंडिकेटर्स या बोथ इंडिकेटर्स एंड ड्रॉइंग। ओके, अभी हम रिमूव कर देते हैं, ये हो गया लेफ्ट साइड मेन्यू। अब हम जाएंगे राइट साइड मेन्यू पे। पहला है वॉच लिस्ट। भी वॉच लिस्ट आप धन पे बनाएंगे या किसी और धन के प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, वो सेम वॉच लिस्ट यहाँ पे भी मिलेगी। आप यहाँ से भी नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आप बाकी के प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर लेंगे। अगर नई वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, सिंपली आप क्रिएट न्यू लिस्ट करिए और एक सिंगल क्लिक पे ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड कर देंगे, निफ्टी बैंक इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, नीचे आएंगे, जो भी आपका चार्ट पर सिंबल है उसके बारे में कुछ डिटेल में चीजें लिखी रहती है, जैसे सिंबल, प्राइस, उसका एलटीपी एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा विंडो। डेटा विंडो में बेसिकली क्या होगा, चार्ट के ऊपर जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको दिखेगी। अभी क्योंकि ये कैंडलस्टिक है तो ओपन लो, हाई क्लोज, वॉल्यूम चेंज, चेंज परसेंटेज, मैं कोई इंडिकेटर या ड्रॉइंग लगा दूंगा तो उसकी चीजें भी आपको दिखेगी। सेम दिखेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री में एक्सेस करने के लिए डिफरेंट चीजों को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, वो है ऑर्डर विंडो। निफ्टी बैंक ट्रेडेबल नहीं है, हम कुछ स्टॉक लगा लेते हैं, टाटा मोटर्स। आप देखेंगे ये एक ऑर्डर विंडो ओपन हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू का ऑर्डर विंडो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऑर्डर विंडो बताया था जो आप बाय और सेल बटन से एक्सेस कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर विंडो आप यहां से एक्सेस करेंगे। यहां से एक्सेस करने के लिए आप बाय या सेल ऊपर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी इनपुट करिए, प्रोडक्ट टाइप इनपुट करिए और सिंपली बाय कर दीजिए। आप अगर इससे फेमिलियर है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आप धन वाली ऑर्डर विंडो से फेमिलियर है तो आप ये यूज कर सकते हैं, वॉट एवर। ओके, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह सब अपफ्रंट दिख जाता है। Cool. आप इसको चाहे तो अनडॉक भी कर सकते हैं और ये फ्लोटिंग भी बन जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे डेप्थ। तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ भी दिखेगा और मार्केट डेप्थ में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं एक सिंगल क्लिक पे ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ से क्वांटिटी इनपुट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करने का सबको डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्लोज डिलीट भी कर सकते हैं। फ्लैटन से पोजिशन क्लोज होगी, कंट्रोल ऑल से सारे ऑर्डर्स क्लोज हो जाएंगे और रिवर्स बटन से आपकी सारी पोजिशन, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट है तो लॉन्ग। ओके, यहाँ पे आप सिंगल क्लिक से ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का, वो है प्लस बटन। मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, दैट इज बाय, सेल, सेल। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट है और ये
लिमिट बाय ऑर्डर लगेगा। कूल, मैंने जैसे आपको एक और चीज बताई थी, सेटिंग्स में जाके आप बाय सेल बटन भी इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे क्वांटिटी सिंपली इनपुट करने के बाद बाय सेल बटन, यहाँ से भी आप इसको यूज करके मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिड और आस्क भी लगा सकते हैं, मार्केट क्लोज है तो अभी बिड आस्क नहीं दिखेगा। ओके, फिर भी अगर आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे भी प्राइस बेस्ट बिड या बेस्ट आस्क का प्राइस आता है, तो यहाँ पे आप 4 या 5, 6 तरीके से टोटल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तरीका इन बाय और सेल बटन का यूज करके, नेक्स्ट तरीका स्कैल्पर बटन, थर्ड तरीका है ऑर्डर पैनल को यूज करके, ओके, फोर्थ तरीका है इस डेप्थ ऑफ द मार्केट को यूज करके, फिफ्थ तरीका है ये प्लस बटन को यूज करके, सिक्स्थ तरीका है आप यहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट मैनेजर है, जिसमें आपको आपकी पोजीशंस, ऑर्डर्स, क्लोज पोजीशंस, फंड्स, पोर्टफोलियो, नोटिफिकेशन लॉग सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यहीं पे आपका पीएनएल भी चलता दिखेगा, यहीं से आप पोजीशन ऑर्डर्स वगैरह को कैंसिल, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। लेट अस नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन और शेयर योर फीडबैक एट feedback@thenotco कि आप इस प्रोडक्ट में और किस तरह के इम्प्रूवमेंट या एनहांसमेंट चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.